हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास वन एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर 13 वाटरिंग टाइम इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर करेंगे। और जैसे कि मैंने प्ली एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 10-12 तक के इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर के वीडियो बना लिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने प्ली एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने प्ली एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो को नई नई प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्ले एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर 27 ईवीएस के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो को नई प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने एनसीईआरटी क्लास फोर चैप्टर 13 वाटरिंग डैम के चैप्टर को शुरू करते हैं और एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे 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 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है अ वाटरिंग राइम। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है वाटरिंग राइम, मतलब एक पानी राइम, एक पानी वाला राइम है, वाटरिंग राइम है। किसी को पानी दिया जा रहा है उस पर राइम है एक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पोयम को। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग हावर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। वाटरिंग एंड नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प इन द फ्लावर ओनली मेक्स देम डाई। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, सुबह की मतलब सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग बिल्कुल सुबह में, और द इवनिंग आवर मतलब शाम में। ठीक है, शाम के टाइम पे आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। और ये समय होता है वाटर को मतलब किसी भी काइंड ऑफ किसी भी तरह के फ्लावर को पानी देने का समय होता है। वाटरिंग एट नून डे मतलब जो नून डे में दोपहर को पानी दिया जाता है, वो उसमें जब वाटरिंग एट नून डे जब दोपहर को पानी दिया जाता है तो विंदा सही सन ही जाए जब धूप एकदम हाई होता है, एकदम सर पे चढ़ा रहता है, तब वो जो है पानी है वो फ्लावर्स को हेल्प नहीं करता है। ठीक है, वो क्या हेल्प करता ही नहीं और उसे ख़राब कर देता है, ओनली मेक्स देम डाई, उसे मुरझा देता है। ठीक है, इसलिए दोपहर को पानी नहीं डालिए। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ बताया गया कि कैसे मतलब कब पानी देना चाहिए, अब कैसे पानी देना चाहिए ये सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। अल्सो वेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स फ्लावर कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स सोक द अर्थ अराउंड देम देन through all the heat the flower will have water for their thirsty feet. Also when you water जब भी आप पानी दें water at the roots उसके ऊपर पत्ते के ऊपर से नहीं डालने की लगेगा कि पानी उसके अंदर जा रहा है, वो तो पत्ते के पास ऊपर पानी रह जाएगा और थोड़ा पानी नीचे आएगा। आपको कहाँ पानी देना है, और ऐसे अगर आप पत्ते के ऊपर भी पानी देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा रूट को। मेन आपको रूट को पानी देना है ना, तभी तो आपके फ्लावर्स मतलब जो आपके पत्ते हैं वो उगेंगे, फ्लावर्स उगेंगे जो भी आप डाले हैं। ठीक है, मानिए आप सनफ्लावर उगाए हैं तो उसके ऊपर से आप डालेंगे तो क्या वो उग जाएगा? नहीं ना, उसे रूट को पानी चाहिए, तो आप रूट पे पानी डालिए, उसकी जड़ पे पानी डालिए। ठीक है, फ्लावर कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर रूट्स। जब भी फ्लावर का माउथ जहाँ होता है, मुँह जहाँ होता है, कहाँ जहाँ होता है, वी शुड वियर आवर बूट्स, जहाँ हम लोग अपना वियर अपने बूट्स पहनते हैं। बूट्स एक पैर का होता है। सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट। और जो अब पानी डालते हैं वो सीधा अर्थ जो है धरती सोख लेता है। ठीक है, और जो भी हीट होता है उसे हीट को गर्मी को उसके पास गर्मी के पास चल जाता है और ठंडा कर देता है, और उसके बाद पूरे फ्लावर्स को पानी मिल जाता है और उसका जो थर्स्टी फीट होता है उसे भी पानी मिल जाता है। थर्स्टी फीट हम लोग किसे कहेंगे? जैसे आपका पैर होता है वैसे ही फ्लावर का पैर होता है। कोई भी घर बनेगा तो उसको अपना पैर चाहिए, उसको अपना नींव चाहिए, उसको अपना सपोर्टर चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत नीचे जाता है ना, स्टील छर ये सब जाता है जिससे घर मजबूत रहे। ठीक है, तो
ऐसे ही इसमें भी इसका भी पैर होता है मिट्टी के अंदर होता है, और ये रूट्स बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है पौधा को जब मिट्टी के अंदर जाता है। तो ट्रस्ट फीट कहेंगे, किसे कहेंगे, रूट्स को, ठीक है, जड़ को। ओके, अब ये पोयम किसने लिखा है, तो ये पोयम लिखा है पीए रोप्स ने, ठीक है, याद कर लीजिए। इस पोएट का नाम कभी भी कोई भी टेस्ट में पूछ लिया जा सकता है। ओके, और हमारा न्यू वर्ड्स देखते हैं क्या। न्यू वर्ड्स हमारा हावर मतलब घंटा, ठीक है, वाटरिंग मतलब किसी चीज़ को पानी देना, वाटरिंग करना। नूनडे दोपहर, बूट्स मतलब अपना जूता होता है जो आप पहनते हैं, सोक मतलब सोखना, और हीट मतलब गर्म, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है रीडिंग इज फन, और हमारा रीडिंग इज फन चैप्टर का सॉरी टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट वेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। और इस पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा बेस्ट टाइम है प्लांट्स को पानी देने का। और सेकेंड क्वेश्चन हमारा, When should we not water the plant? मतलब आपको बताना है कि कब प्लांट्स को पानी नहीं देना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटरेड, और किस प्लांट के कौन से पार्ट को, किस पार्ट को पानी देना चाहिए, वाटर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग हावर। जो बेस्ट टाइम है प्लांट्स को पानी देने का है, वो है सुबह, बिल्कुल मॉर्निंग पे 5-6 बजे, 7 बजे, उतना बजे तक, और 8 बजे के बाद नहीं दिया जाता क्योंकि उसके बाद तो धूप निकल जाता है। 5-6 बजे तक मिल गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इवनिंग आवर को मतलब शाम के समय में 5-6 बजे, 4 बजे, 4 बजे तो धूप ही रहता है, 5-6 बजे समझ दीजिए। ओके, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट, मतलब कब पानी नहीं देना चाहिए प्लांट्स को, तो कब देना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट वाटर द प्लांट एट नून डे, नून डे मतलब दोपहर के समय पे पानी नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्लांट्स को। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर, मतलब कौन सा पार्ट जो प्लांट का है उसे वाटर किया जाता है, भिंगाया जाता है, उस पर पानी डाला जाता है। तो द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर, जो प्लांट का रूट होता है उसे वाटर किया जाता है, उसे उस प्यासे को पानी दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, और हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। चलिए वर्ड बिल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेस लेटर इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ द फ्लावर। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें आपको इन लेटर्स में आपको लेटर्स को प्लेस करना है, सही ऑर्डर में फॉर्म के थ्रू डालना है, और इन फ्लावर्स के नाम बताना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं PATWEES, तो ये एक जम्बल्ड वर्ड है, इसे हम लोग को लेटर के हिसाब से सही बनाना है। ओके, तो चलिए इनको इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है PATWEES, इसका सही वर्ड होगा, सही वो लेटर के राइट ऑर्डर के हिसाब से फ्लावर का नाम बनेगा स्वीट पी, ठीक है। आगे है MARAIDOLG, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि मैरी गोल्ड बनेगा, इसके ये जंबल वर्ड के नाम से एक मैरी गोल्ड बनेगा, GMINEAS, इससे भी लग रहा है कि ये जैस्मिन वर्ड बनेगा, इसका सही फॉर्म के थ्रू डालेंगे तो TLOUS, ये भी पता चल रहा है कि इससे भी कौन सा फ्लावर बनेगा, ठीक है, लोटस। ARGOM, इसका बनेगा मतलब सही प्लेस लेटर के राइट ऑर्डर के फॉर्म से बनेगा मोगरा। DHAAIL, इससे बनेगा डहीला, डहीला फ्लावर का नाम बनेगा। XOLHP, इसका सही ऑर्डर के हिसाब से फ्लावर का नाम होगा PHLOX। और ANSPY, इसका सही फ्लावर का नाम बनेगा PANSY। और BISIHCUS, इसका राइट वर्ड नेम ऑफ फ्लावर बनेगा हिबिकस, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है फन टाइम, मतलब मजे का समय, क्या मजे के समय के वाला क्वेश्चन है। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज, द ग्रिड हैज द नेम ऑफ डिफरेंट ऑफ अ ट्री। आप स्कूल गार्डन में तो विजिट किए ही होंगे, अगर आप किए हैं तो आपने वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स देखे होंगे, ट्रीज देखे होंगे, क्रीपर्स देखे होंगे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। दिस ग्रिड हैज़ द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री मतलब पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। लुक फॉर दीज वर्ड्स, आप यहाँ देखिए BUD, बर्ड, पॉड, लीफ, स्टीम, रूट्स, ट्रोन्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर, एज फास्ट एज यू कैन, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। आपको इस
आपको यहाँ वर्ड बहुत मतलब लेटर बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको इनमें से खोज करके बताना है कैसे भी करके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और डायगोनली तरह से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और डायगोनली, ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी खोजना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोजना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तरीय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखिए बर्ड, बर्ड यहाँ पे ऐसे डायगोनली मिल रहा है, ठीक है, लीफ वर्टिकली है, ठीक है वर्टिकली है, और जो फ्लावर देख रहे हैं ये भी एक डायगोनली लाइन है, पॉड ये एक तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन है, ठीक है, और यहाँ जो आप थ्रोन्स देख रहे हैं ये भी एक तरह से वर्टिकल लाइन है, और स्टेम डायगोनली लाइन है, ठीक है, डायगोनली लाइन के थ्रू बना है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस है ये बना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और जो आप यहाँ रूट्स देख रहे हैं ये है आपका हॉरिजॉन्टली, ये भी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ही है, और हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या आपके घर में गार्डन है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस, कुछ ऐसे फ्लावर्स के नाम बताइए जो आपके गार्डन और आपके घर के पास उगते हैं, और थर्ड क्वेश्चन गिव गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, थर्स्टी फीट के बजाय कोई और अनदर वर्ड आप बताइए, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डू यू हैव अ गार्डन एट होम, क्या मैं आपके घर में गार्डन है, तो यस आई हैव अ स्मॉल गार्डन एट होम, मेरे घर में छोटा सा गार्डन है लेकिन है, और हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नेम्स ऑफ फ्लावर विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस, आप हाउस आप कुछ और फ्लावर्स के नाम बताइए जो कि आपके गार्डन और आपके घर के पास उगते हैं, तो जैसे क्राइस एंथमम, मैरीगोल्ड, रोज, डहिला, जैस्मिन, ये सब मेरे गार्डन और मेरे घर के पास उगते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है कि थर्स्टी फीट का कोई और अनदर वर्ड बताइए, तो है वह है रूट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, अगर सुबह के टाइम पे वो मिलता है प्लांट को पानी, तो आपको कोई एक आंसर चूज करना है, दे विल ग्रो वेल या दे विल ड्राई अप, आपको बताना है कि वो अच्छे से उगते हैं ये ड्राई अप हो जाते हैं अगर सुबह को पानी मिलता है, और पांचवा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर गेट वाटर, और कहाँ पे पानी मिलना चाहिए वाटर को, कि रूट के बीच में और या फिर ऊपर से टॉप से लीव्स पे पत्ते के ऊपर से, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उतरिए, तो अगर सुबह को पानी मिलता है तो वो दे विल ग्रो वेल, वो अच्छी तरीके से उगेंगे, और कहाँ पे पानी मिलना चाहिए, तो रूट्स पे पानी मिलना चाहिए, रूट्स के बीच पे, ना कि ऊपर से पत्ते के ऊपर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है से अलाउड, हमारा अगला एक टॉपिक है से अलाउड, और आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है, ठीक है, तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, पहले ये बोला, ठीक है, ईयरली, क्योरली, स्योरली, आवर, हावर, आर, फ्लावर, फ्लोर, सो, सावर, देयर, देयर, केयर, कुड, हुड, सुड, वेयर, वियर, सीट, सिट, सेक, सेक, ब्रेड, स्प्रेड, हाई, साई, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स जो है ऐसा लगता है कि ये सब सेम है, इसका प्रोनाउंस तो सेम होता है लेकिन ये अलग वर्ड्स पे है, एक टंग ट्विस्टर जैसा ही है। ओके, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ एक क्वेश्चन कि आपको साइलेंस लेटर इन वर्ड्स में निकालना है, पिक आउट करना है, ठीक है, हावर, नाइट, रॉन्ग, डाउट, और हॉफ्टेन, आनोर, नाइट, कुड, राइट, नाइफ, हाई, वाक, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा वर्ड है जो कि जिसमें साइलेंट वर्ड नहीं, साइलेंट कौन कौन सा वर्ड है इसमें से लेटर, तो हावर, हावर में एच है जो हमारा साइलेंट वर्ड है, ऑफ्टेन, ऑफ्टेन में हमारा टी जो है वो एक तरह से क्या है साइलेंट वर्ड है, राइट, राइट में क्या है डब्ल्यू एक साइलेंट वर्ड है, नाइट, नाइट में भी आपका के जो है वो है क्या साइलेंट वर्ड, नो, नो तो ऐसा लग रहा है एन ओ वाला नो, नहीं वाला नो, लेकिन यहाँ नो है, यहाँ तो आप देख सकते हैं इसका तो तीन मतलब निकल रहा है,
नो, इस यहाँ जो नो लिखा हुआ इसका मतलब है जानना, दूसरा है इसका कटेगा तो की हट जाएगा तो नाउ मतलब अभी, और नो रहेगा तो इसका मतलब होगा कोई नहीं या नहीं, मतलब भाई कुछ भी। और हमारा नाइफ है, नाइफ में की जो है हमारा साइलेंट वर्ड है। ओके, रॉन्ग, रॉन्ग में डब्ल्यू जो है हमारा साइलेंट वर्ड है। नाइट, नाइट में क्या है, जी एच जो है वो एक साइलेंट वर्ड है। हाई, हाई में एच सॉरी जी एच जो है हमारा साइलेंट वर्ड है। डाउट, अरे भाई डाउट, डाउट में तो बी हमारा साइलेंट वर्ड है। कुड, कुड में एल हमारा साइलेंट वर्ड है। और वाक, वाक में हमारा एल वर्ड साइलेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, लेट्स राइट। चलिए लिखिए, जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊँ तो राइट मतलब लिखना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन आंसर। तो हमारा लेट्स राइट का पहला क्वेश्चन है, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ राइमिंग वर्ड का बनाना है, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं एक आपके लिए बना हुआ है, जैसे मॉर्निंग का इवनिंग, तो कार का क्या है, कार का राइमिंग वर्ड क्या होगा, हाई का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बूट्स का राइमिंग वर्ड क्या होगा, हीट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, और वेयर का राइमिंग वर्ड क्या होगा। ठीक है, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ड लाइक मॉर्निंग इवनिंग वाटरिंग एंड एंड इन ING, जो हमारा वर्ड है जैसे लाइक मॉर्निंग इवनिंग वाटरिंग, इसमें एंड जो हो रहा है वो ING से हो रहा है। राइट सिक्स मोर वर्ड्स टू विच ING कैन बी एडेड एट एंड टू फॉर अ न्यू वर्ड। आपको छः और ऐसे नए वर्ड्स, नए नहीं मतलब छः और आपको वर्ड्स बताने हैं जिसमें ING जुड़ा हुआ हो अंतिम में और एक नया वर्ड बने। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा, लुक फॉर द वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड गिवन बिलो। अब आपको यहाँ नीचे मतलब वर्ड्स देखने हैं जो कि पोएम में दिए गए हैं, विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो, कौन से मतलब आपको पोएम से वर्ड देखना है। ठीक है, विच साउंड लाइक द वर्ड वर्ड गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है कि जो भी पोएम में तो आपको वर्ड्स देख लेना है, कितने सारे वर्ड्स हैं उन्हें देखना है। अब कौन सा साउंड, जो भी साउंड तो बहुत अलग एक ही जैसा होता है। ठीक है, हावर सॉरी हावर नहीं, नो, इसमें ए के एन ओ हो, डब्ल्यू है और नो एन ओ, वर्ड अलग है, लेटर लिखा हुआ अलग है, लेकिन साउंड एक है, प्रोनाउंस एक ही हो रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, नीचे जो वर्ड्स आपको अभी नीचे नहीं अभी ऊपर देखिए, अभी पोयम जो पोयम में आपको वर्ड्स देखने हैं अच्छे से, और अब आपको बताना है कि नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो जो पोयम में वर्ड हैं नीचे जो वर्ड लिखे हैं अब वो कौन कौन से बुक मतलब पोयम वाले जो वर्ड्स हैं इनमें से कौन कौन से मैच हो रहे हैं, साउंड जैसे लाइक लग रहे हैं। ओके, और चौथा क्वेश्चन हमारा, इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर्स कॉमास फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क आर मिसिंग। नीचे जो सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं, ऑन द ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, रहीम राबी बाबी जो भी, तो अब आपको यहाँ नीचे देख रहे हैं उन सेंटेंस को देखिए, और यहाँ पे कैपिटल लेटर कॉमास फुल स्टॉप और क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिस है, तो आपको करेक्ट प्लेस पे करेक्ट चीज डालना है, कैपिटल लेटर कहाँ पे, कॉमास कहाँ पे, फुल स्टॉप कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो आंसर है मॉर्निंग, मॉर्निंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा, इवनिंग, कार का राइमिंग वर्ड क्या होगा, बार, हाई का वर्ड क्या होगा, साई और हाई फाई भी हो सकता है, बूट्स का राइमिंग वर्ड क्या होगा, रूट्स, हीट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, फीट, और वेयर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, देयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आंसर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, आपको छह वर्ड्स बनाने थे ना, छह और वर्ड्स बनाने थे जिसके अंतिम में ING आए और आपको वो नया वर्ड बन जाए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, वार्मिंग, वार्मिंग मतलब गर्मी होना, रेनिंग बारिश होना, डांसिंग नाचना, प्लांटिंग मतलब उगना, कोई प्लांट उग रहा है, फीलिंग कोई चीज़ की फीलिंग, लाफिंग हंसना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के आंसर पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन का आंसर है, जैसे आप मैंने आपको बताया था कि आपको पोएम के कुछ वर्ड्स कुछ नहीं पूरे वर्ड्स देखने हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे जिन नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं वो क्या वर्ड्स से मैच कर रहे हैं साउंड के जो आपने पोएम के वर्ड्स पर है थे। तो जैसे आर हावर ऐसे हम लोग बोलते हैं, हावर नहीं बोला चाहिए, सही जो प्रोनाउंस होता है वो होता है आर आर। ठीक है, आर और आर दोनों मैच हो रहा है, देयर देयर ये दोनों भी मैच होता है, फ्लावर 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 फ्लावर। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे फ्लावर है, यहाँ आप लोगों को बोलते हैं फ्लावर लेकिन ऐसा नहीं बोलते, सही इंग्लिश आप बोलिए तो सही इंग्लिश है फ्लावर फ्लावर। ठीक है, यहाँ भी फ्लावर यहाँ भी फ्लावर, वेयर वेयर ठीक है, वेयर वेयर सही है, लाइक हो रहा है मैच हो रहा है।
सैमसन सैमसन ये भी मैच हो रहा है, और 3 उठ्रो ये भी मैच हो रहा है, ठीक है। और मैं दो चीज़ जानकारी और दे दूं कि मदर और फादर, आप दो वर्ड सुन रहे हैं, तो जो मदर मदर है, मदर को मदर नहीं बोलते और फादर को फादर नहीं बोलते, मदर को मदर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मदा, ठीक है। मदर मतलब ई आर अंतिम में नहीं बोलते, सही इंग्लिश है मदर। जैसे फ्लावर, तो फ्लावर को फ्लावर नहीं बोलते, फ्लावर 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 ऐसे, मतलब पूरा अच्छे से फ्लावर नहीं बोलना, फ्लावर ना, फ्लावर फ्लावर अच्छा लगेगा, ठीक है। और जचेगा भी आप पे इंग्लिश, और जैसे मदर, तो मदर मदर मदर, ठीक है, मदर ऐसे नहीं, मदर, ठीक है। फ्लावर जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर, तो मदर, ई आर नहीं लगना चाहिए, बस फ्लावर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर। और मदर का मदर, फादर का फादर, ओके फादर, और ब्रदर का ब्रदर, ठीक है। ऐसे आपको करना, सही इंग्लिश लगेगा, ओके। और हम नीचे को, नीचे जो क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क आर मिसिंग। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क किस पे मिसिंग, आपको सही चीज़ पे, सही जगह पे सही चीज़ देना है, ठीक है। ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, ऑन मंडे, मंडे के दिन मैं जाऊंगा स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने सही सही सब कुछ का कैपिटल लेटर भी लगाया है और कॉमा भी लगाया है, और आई विल गो टू स्कूल सही सही लगाया। बस एक गलती है कि ऑन मंडे पीछे लगता है, वो मैंने वो नहीं किया कि मैंने उस करेक्ट प्लेस पे ये चार चीज़ डाल दी, कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप, लेकिन गलती हो गई कि पूरा अच्छे से नहीं बना पाया। तो इसका आई विल गो टू स्कूल ऑन मंडे, ओके ये होगा। अगला है, रहीम राजू एंड रहीम रावी एंड रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। रहीम राजू और रवि और राजू देखने जा रहे हैं सर्कस। तो इसमें सही पूरा वर्ड ही बना हुआ है, लेकिन अब आपको क्या करना है, कॉमा लगाना, ये लगाना। तो रहीम के बाद कॉमा, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, इस पे फुल स्टॉप भी लगेगा अंतिम में सर्कस पे। सीता वेयर आर यू लुकिंग, तो इसलिए सही बना हुआ है, सीता वेयर आर यू लुकिंग, ये भी सही है, वर्ड सही बना हुआ है, बस आपको कॉमा वामा लगाना। तो पहले सीता के बाद कॉमा, उसके बाद वेयर आर यू लुकिंग, तो लुकिंग के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डबल इंटरोगेटिव है, ओके। और चौथा था हमारा, टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, तो टेलर है वो जा रहा है मार्केट के पास मिस्टर सिंह के मास्टर के पास, ठीक है। तो द टेलर, इस पे कैपिटल लेटर द टी, द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, ठीक है। मिस्टर मिस्टर के बाद डॉट लगेगा, डॉट में फुल स्टॉप, और सिंह के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। और हमारा पांचवा है, एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन। ये कह दो यार, कितना हो गया ना, एवरी संडे ये तो नहीं है, आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट ये भी, रीड स्टोरी बुक, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, ये कहीं ऐड पे आता, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐड के जैसा लग रहा। चलो अभी बेच भी आते मेन चीज़ पे आते हैं। तो मेन चीज़ हमारा एवरी संडे, कहाँ, ई, ई जो है हमारा कैपिटल लेटर होगा एवरी का, ई। एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, वॉक के बाद कॉमा होगा, हैव ब्रेकफास्ट उसके बाद भी कॉमा होगा, रीड स्टोरी बुक इसके बाद भी कॉमा होगा, लिसन टू म्यूजिक, अरे ये तो लगता है पॉकेट एफएम में आता है ना, पॉकेट एफएम के यूट्यूब में ऐड आता है, तो उसमें बोला जाता है, वही मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऐड है, रीड स्टोरी बुक कॉमा उसके बाद लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविजन, टेलीविजन के बाद फुल स्टॉप, ओके। और हमारा छठा है, लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, तो इसका सही होगा, पहले लक्ष्मी में एल तो हमारा हो जाएगा कैपिटल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वाई आर यू क्राइंग, तो क्राइंग के बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ अ स्काई, स्काई का क्या कलर है, वर्ड सही बना है, वर्ड का प्लेस अच्छा है, लेकिन कहाँ कॉमा वो सब लगाना है वो हमें बताना है। तो व्हाट, व्हाट का डब्लू क्या है, डब्लू क्या, डब्लू में क्या होगा, तो वो होगा कॉम, सॉरी तो कैपिटल लेटर। और उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई के बाद क्वेश्चन मार्क, ऑरेंज मैंगो बनाना एंड पपाया आर फ्रूट, ऑरेंज मैंगोज बनाना और पपाया फ्रूट्स हैं, तो ऑरेंज ओ के बाद लगे, ऑरेंज में ओ लगेगा कैपिटल लेटर, उसके बाद कॉमा मैंगोज, उसके बाद कॉमा बनानाज एंड पपाया आर फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते, और है क्या, नहीं नहीं अभी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए अब हम लोग को एक प्रिपेयर स्पीच बनाना, एक प्रिपेयर करना, स्पीच को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो मज़ा आएगा स्पीच को बनाने में, ठीक है, बना हुआ है, बनाने में मज़ा नहीं आएगा, आप लोग अपने से भी बता के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिछले वीडियो में कल मैंने बनाया था वीडियो, सॉरी बनाया नहीं था, अपलोड किया था, तो वो वाला वीडियो में कमेंट का मेरा आंसर में कमेंट में नहीं आता है, गलत बात है, मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, क्लास में कोई बताता नहीं है, गलत बात है, मुझे देना होगा, आपको देना होगा, नहीं तो
फिर देख लेना। प्रिपेयर अ स्पीच, इसमें आपको एक स्पीच बनाना है, आप भी एक स्पीच बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और तो बनाते क्वेश्चन के पर ये देख लेते, प्रिपेयर अ स्पीच गिविंग सम रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर एंड प्लांट्स। अब आपको एक स्पीच बनाना है कि कुछ रीजन बताना है, प्रिपेयर स्पीच में कुछ रीजन बताना है क्यों हम लोग को इम्पॉर्टेंट है फ्लावर और प्लांट्स की प्रोटेक्ट करना, क्यों इतना ज़रूरी है। और इंक्लूड वेज डैट यू कुड हेल्प प्रोटेक्टेड एंडर्जिड प्लांट्स इन योर स्कूल। आपको और वेज रास्ते इंक्लूड करना है जिससे कि जो हमारे स्कूल में प्लांट्स हैं इन्हें हेल्प प्रोटेक्ट हो, ठीक है। तो चलिए एक स्पीच बनाते हैं, तो चलिए अपना एक स्पीच शुरू करते हैं। तो पहले तो टीचर्स अपने फ्रेंड्स को इज्जत दीजिएगा, रिस्पेक्ट है टीचर और माय डियर पेरेंट्स, ऐसे सॉरी पेरेंट्स ही फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे करके एक सैल्यूटेशन बनाना है, ठीक है। अब शुरू करना है, फ्लावर एंड प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। फ्लावर प्लांट्स जो है हमारे लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। देन दे गिव अस टू फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ये जो है फ्रेश एयर मतलब फ्रेश हवा वातावरण देते हैं सांस लेने के लिए। फ्लावर्स एड ब्यूटी टू द नेचर, और जो फ्लावर्स है वो नेचर को मतलब प्रकृति को एक एड ब्यूटी एक ऐड कर देता है। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड मेडिसिन, प्लांट्स जो है हमें फ्रूट्स और मेडिसिन देता है। दे ऑल्सो गिव अस वैल्यूएबल टाइम्बर, ठीक है, एक वैल्यूएबल टाइम्बर भी हमें देता है। दे फॉर्म क्लाउड्स विच फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वो क्लाउड्स भी बनाते हैं और जिसके कारण अर्थ में बारिश होती है। हेंस वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हम लोग उसे जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे उतना अच्छा ही रहेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हम लोग कभी भी फ्लावर को प्लक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। नाइदर शुड वी कट ट्रीज, हम लोग कभी भी पेड़ को काटेंगे नहीं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर ओन एक्सिस्टेंस। आपको प्लांट और से भी ज़्यादा ज़्यादा उगाना है, पेड़ को भी ज़्यादा उगाना है और प्रोटेक्ट करना है, ऑर्डर करना है सबको, आज्ञा देना है आपको, मतलब आज्ञा नहीं देना, बोलना है कि ऐसा ना करे, कुछ भी ना करे, पेड़ को भी ना तोड़े, कुछ भी तोड़े नहीं काटे तो अच्छा रहेगा, कि अगर आप नहीं काटेंगे तो ठीक रहेगा, आपको प्रकृति की सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। जब भी आपको ये भी, मुझे तो खूब अच्छा लगता है नेचर में घूमने का, ठीक है। आप नेचर में जाइएगा ना, कि नेचर में मतलब नहीं प्रकृति चीज़ देखेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कहीं जंगल में बहुत अच्छे फ्लावर्स उगे रहेंगे और भी अलग अलग चीज़ रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 2 चैप्टर 13 वाटरिंग टाइम इंग्लिश के सारे अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कहानी का भी कर दिया, पोएम का भी कर दिया और पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक में टाइम लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह, व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब हर जगह फैला दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत, बाय।